नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे इंफोसिस स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक में देखेंगे तो पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए दिखा है और ओवरऑल आज देखें तो बैंकिंग सेक्टर काफी वीक था और आईटी स्टॉक के कारण ही निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो ग्रीन में होते दिखी है। यानी आईटी में थोड़ा बहुत देखें तो रिकवरी आते हुए दिखा है। इस समय आगे डिस्कस करें इससे पहले आई होप कि आपने प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है जो कि बिल्कुल फ्री है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे अगर आपको हमारे एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप और लर्निंग ग्रुप में जुड़ना है। यहाँ वही सभी न्यूज देखेंगे जो रिजल्ट के बाद के आते हुए दिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन यहां देखेंगे तो SCL टेक और साइंट ये दो कंपनी ने एक बेहतर रिजल्ट डिक्लेयर करे। इसके बाद थोड़ा बहुत आज TCS और परफॉर्म किया और इस समय देखेंगे तो इसके जो डिलीवरी हैं अभी भी बेहतर दिख रहा है और टेक्निकल जो है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म है। जब भी डिलीवरी बेहतर हो लेकिन टेक्निकल अगर अंडर परफॉर्म हो तो उस स्टॉक में थोड़ा कौशन बरतेंगे। यहाँ इसके चार्ट को देखेंगे तो 1360 का एक मेजर सपोर्ट था, इसको ब्रेकडाउन करा और अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। इस समय ये एक कंसोलिडेट जोन है। 1220 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है रिवर्सल नहीं दिखेगा, इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं।